क्वेश्चन नंबर, हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 6, इसका ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको फिगर बना हुआ दिया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड है, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन है इसमें पैरलर है और इसमें भी ये दोनों लाइन पैरलर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरलर साइड इंटू 1/2 सम ऑफ पैरलर साइड इंटू हाइट। तो पैरलर साइड क्या दी है, 8 एंड 12, इसमें भी क्या है, 8 एंड 12, और हाइट क्या हो जाएगी इस पैरलर की, इस ट्रेपेजियम की हो जाएगी आपकी 5, और इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है, इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें कितने ट्रेपेजियम है, फर्स्ट एंड टू, टू ट्रेपेजियम है और दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आप एक का एरिया निकाल कर उसमें टू का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे निकालोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड पैरलर साइड ये दी है और हाइट भी दी है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको इस तरह से फिगर देखना है, सारी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं आपकी, 13 13 दी हुई है ना, और ये पूरा जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 23 दिया है, ये 13 है, तो आपका बाकी बचा हुआ पार्ट ये और ये लास्ट वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, 23 में से हम 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, 10। 10 का हाफ क्या होगा, 5 ये होगा और 5 ये होगा, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड ये भी इक्वल है, ये दोनों साइड भी इक्वल है और नीचे वाला पार्ट ये भी दोनों इक्वल हैं। अब सारे पार्ट इक्वल हैं तो हाइट भी क्या होगी उसकी, इक्वल होगी। तो हमने 10 को क्या कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन आपका पूरा की पूरा एज अ सेकेंड क्वेश्चन के जैसे है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है 7 नंबर। उसके बाद 6 का, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5th नंबर है, ये आपको फिगर दिया है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल और ये आपका सेमी सर्कल। तो फिगर कैसे निकालोगे, इस फिगर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आपको क्वेश्चन में दिया है, ये लाइन बनी है, इट मीन्स ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका 8, और ये 8 है तो ये भी कितना होगा आपका 8, और इस सेमी सर्कल का ये क्या है आपका डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो 4 इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों ही सेम है 8 8, और सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ सर्कल है। आर की वैल्यू 4 हो गई, 4 4 जा 4 मल्टीप्लाई 4, अब ये 2 से हमने इसे कट कर दिया, ये क्या हो गया आपका 11 हो गया, 8 8 जा 64, सभी का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद इसे हमने 7 से डिवाइड कर दिया और जो भी आएगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर होगा इस फिगर का क्या है, आपका एरिया है। आपको 7 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।